22 साल से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को अपना हथियार बनाया है जिस पर गुजरात के व्यापारी पीएम मोदी से खफा है। जीएसटी को मुद्दा बनाकर राहुल गुजरात के कारोबारियों को हाथ का साथ देने के लिए मना रहे हैं। आज भी राहुल गुजरात के कारोबारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने जीएसटी के मौजूदा स्वरूप में बदलाव का वादा किया। गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आज एक बार फिर जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए जीएसटी में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। कारोबारियों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि सत्ता में आने पर हम ऐसा जीएसटी लेकर आएंगे जिससे छोटे कारोबारियों को फायदा पहुँचेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, इसके मुताबिक हम काम करेंगे, हम आपकी बात को सुनेंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल ने पीएम मोदी की इस वार पर पलटवार भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल की जड़ों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राहुल ने पलटवार करते हुए कहा कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर्वतीय राज्य में भ्रष्टाचार का स्तर अन्य राज्यों से कम है। विकास के मानदंडों पर हिमाचल प्रदेश बीजेपी शासित गुजरात से कहीं बेहतर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने कभी व्यापम घोटाले की बात नहीं की, ललित मोदी घोटाले या अन्य किसी मामले की बात नहीं की जो बीजेपी शासित राज्यों में सामने आए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।